हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं और आप कर रहे हो अभी वर्ग 3 की तैयारी दोस्तों। और कल उससे संबंधित एक आदेश वायरल हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जो वर्ग 3 के आपके एग्जाम हैं वो या तो आगे बढ़ाए जा रहे हैं या फिर कैंसिल किए जा रहे हैं। और बहुत से लोगों ने वो न्यूज मेरे पास शेयर की, वो आदेश मेरे पास शेयर की, और उस आदेश को जानने के लिए मैंने जब PAB खोलकर देखा तो उस पर ऐसा कोई आदेश अपडेट था ही नहीं। इसके बाद फिर मैंने MP ऑनलाइन खोलकर देखा तो उस पर भी ऐसा कोई आदेश अपडेट नहीं था। फिर MP एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोर्टल खोलकर देखा तो उस पर भी ऐसा कोई अपडेशन नहीं था, यानी कि वो आदेश मुझे कहीं से कहीं तक दिखा नहीं। तो पहली दृष्टि में मुझे यही लगा कि हो सकता है कि आदेश किसी ने ऐसे ही बना दिया हो। और चूंकि मैं बाहर था तो आपको उस पर वीडियो भी मैं नहीं दे पाया कि ये जो आदेश है वो अभी पर्पस एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट पर तो नहीं दिख रहा है। और यदि आप पर्पस एग्जामिनेशन बोर्ड की जो साइट अपडेट की तारीख भी देखेंगे तो वो भी कल की नहीं थी, बहुत पहले उन्होंने अपडेट की है, उसके बाद उन्होंने कोई अपडेशन किया नहीं है उसका। तो वो न्यूज मेरे पास बहुत सारे, उस न्यूज से कनेक्टेड आपके सवाल आए दोस्तों, और इतने मैसेज आए कल कि सर आप इस पर वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि कोई भी आदेश आए, चाहे आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 से संबंधित आए, हम बात करें जनजाति विभाग की, बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की, DPI की, जो कि आपकी भर्ती कर रहे हैं, पोर्टल बना हुआ है MP ऑनलाइन पर, तो उससे संबंधित कोई भी आदेश आएगा दोस्तों तो वहीं पर आएगा जहां पर आपके फोल्डर बने हुए हैं वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 3, चाहे जनजाति विभाग की बात करूं मैं और चाहे आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से संबंधित कोई भी आदेश जारी होगा वर्ग 3 से रिलेटेड, और यदि PAB जारी कर रहा है तो वो PAB की वेबसाइट पर जरूर दिखेगा आपको, ठीक है? तो जब भी ऐसी कोई न्यूज आए या ऐसी न्यूज वायरल हो दोस्तों, तो आप मेरे पे कमेंट करें या किसी और चैनल पे कमेंट करें, और वो आपको रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारण से, जैसे कि मैं कल बाहर था तो रिप्लाई बहुत से लोगों को नहीं दे पाया, तो आप सबसे पहले ये वेबसाइट चेक करें, ठीक है? आप PAB डालेंगे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, उस वेबसाइट तक आप पहुंच जाएंगे दोस्तों। MP ऑनलाइन डालेंगे तो MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे दोस्तों, कोई भी कहीं से कोई भी परेशानी नहीं है, है ना? तो हमें पैनिक नहीं होना है। अब यहाँ पर यह हुआ दोस्तों कि जिनकी तैयारी अच्छी है, जो कंप्लीट कर चुके हैं अपना पूरा सिलेबस, उन्हें एक ही अब है कि हमारे अप्रैल के लास्ट से एग्जाम शुरू हो जाए वर्ग 3 का, जिससे हम बेस्ट स्कोर ला सकें। क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, उनने करीबन एक एक दो दो महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और करीबन वो वर्ग 3 की तैयारी भी, एक बहन है बहुत दिनों से जुड़ी हुई है, वो मुझसे जब वो वर्ग 3 की तैयारी कर रही है, वर्ग 2 और 1 में वो एग्जाम नहीं दे पाई। वर्ग 2 यानी कि ग्रेजुएशन उनके पास था नहीं, सिर्फ आपका DLED उन्होंने किया था, तब से वो वर्ग 3 की तैयारी कर रही है आपके जनवरी माह से। तो जनवरी से लेके अभी तक आपका उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, जनवरी से लेके वो अभी तक उनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। तो उस हिसाब से, और ये मैं जनवरी 2020 की बात नहीं कर रहा हूँ, जनवरी 2019 की बात कर रहा हूँ, जनवरी 2019 से उनकी तैयारी चल रही है, तो काफी अच्छी तैयारी उनकी हो चुकी है। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, अब इंतजार सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि वर्ग 3 के एग्जाम हो जाए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें तैयारी के लिए एक्स्ट्रा समय चाहिए, तो उन्हें वहां पर ये लगा कि यदि जो डेट है वो आगे बढ़ जाती है तो हमें कुछ और समय मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों की मिक्स रिएक्शन थे, यानी कि जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है उन्हें ये दुख हो रहा था कि सर अब हमारा क्या होगा, हमने तैयारी कर ली, अब पता नहीं कितनी डेट आगे बढ़ेगी, कितने महीने डेट आगे बढ़ चुकी है। और वहां पर बहुत से लोगों को ये प्रसन्नता हुई कि चलो हमारी तैयारी के लिए हमें और समय मिल गया। लेकिन खास बात ये थी कि ऐसे जो वायरल आदेश होते हैं उनका एक ही मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यू मिल जाए, और जो भी चैनल वाले इनको डालते हैं वो दो काम करते हैं, इससे भी आप समझ सकते हैं कि न्यूज़ सही है कि नहीं। पहला वो ये काम करते हैं कि अपनी कमेंट को डिसेबल कर देंगे, जिससे कि आप उन पर कमेंट ना कर सको, और दूसरे उस कमेंट को पढ़कर अपनी जो शंका है उसको ना मिटा सको, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट में लिख देते हैं कि ये न्यूज़ तो सही नहीं है, प्रोफेसर एग्जामिनेशन बोर्ड पर ये आदेश नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो इस ऐसा ना हो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वीडियो डालने से पहले अपने कमेंट को डिसेबल करते हैं। फिर दूसरा, आप इससे पता लगा सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक कितने मिले हैं, डिसलाइक कितने मिले हैं, तो वो लाइक और डिसलाइक ना देखें उसे भी हिडन कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये न्यूज़ चलाई जाती है दोस्तों, जिससे कि आप
कुछ समझी ना पाओ और उनकी व्यू बढ़ते जाएं। और इसके अलावा जो भी उनका कोर्स होता है उसका भी वो प्रचार करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि भैया 1.5 लाख का कोर्स था और हम आपके हितैषी हैं, इसलिए 1.5 लाख का कोर्स सिर्फ आपको 1.5 रुपए में मिल रहा है, और 1.5 रुपए में भी आपको सिर्फ 9 दिन या 10 दिन में मिल रहा है। और यदि आपने ये कोर्स नहीं खरीदा, जो कि था तो 1.5 लाख रुपए का, इतना महंगा कोर्स था, लेकिन हम आपके हितैषी हैं तो उसी कोर्स को हम 1.5 रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए में दे रहे हैं, तो इससे सस्ता क्या मिलेगा? तो 3 रुपए में आप हमारा ये कोर्स खरीद लें, ये कूपन कोड खरीद लें, इसका भी उनका एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा दोस्तों। तो मीन्स एक बिजनेस पर्पज से देखा जाए तो ये बेस्ट लोग हैं अपने आप में, क्योंकि वो हर चीज में बिजनेस कर ही ले जाते हैं, चाहे आपकी जो कि न्यूज वायरल करने का हो, चाहे ऐसे कोर्सेज बेचने का हो। लेकिन उनसे आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वो लोग बता सकते हैं जो वर्ग एक और वर्ग दो से यूज टू हैं, क्योंकि वर्ग एक और वर्ग दो में जिन्होंने दिया है और वो इस चीज से निकल चुके हैं, इन अफवाहों से निकल चुके हैं, झूठी खबरों से निकल चुके हैं, और बहुत से लोग इसके चलते अपनी पढ़ाई में भी नुकसान कर चुके हैं, उनसे यदि आप पूछोगे तो डेफिनेटली वो बता पाएंगे कि किस तरह की न्यूज चलाई जाती है। बहुत सारी न्यूज़ें होती हैं, यहाँ पे ये कहा जाता है कि परीक्षा निरस्त हो गई है, परीक्षा नहीं होंगे, एग्जाम नहीं होंगे, तो ऐसी न्यूज़ों का दौर चलता रहता है। सेकंड, इनका ये होता है कि आपके कट ऑफ पर भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक पोस्टों का पता नहीं था, वर्ग एक और वर्ग दो का ही पोस्टों का पता नहीं था, और उनके एग्जाम भी नहीं होते, उससे पहले कट ऑफ आ चुकी थी। वर्ग तीन की भी आप देखेंगे कि आ चुकी है बहुत सी, और बहुत सी आने वाली है, क्योंकि इससे व्यू हाई मिलते हैं, और निरस्ती के कारण की जो खबर होती है ना उस पर सबसे ज्यादा व्यू मिलते हैं। तो बस यही है। और फिर सेकंड ये है कि कोई भी कोर्स है उसे आपने देखा नहीं है, उसे आपने समझा नहीं है, लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी मिलेगी कि आपको उसे खरीदने के लिए प्रेरित होना ही पड़ेगा। जहां तक मेरी आप बात करें दोस्तों, तो मैंने अपनी लाइफ की पूरी पढ़ाई की है बुक्स से, तो मैं आपको सिर्फ बुक्स ही सजेस्ट करता हूँ। और वो बुक्स यदि आप ऑनलाइन जाकर उनके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ मेरे फेसबुक पेज पर डली हुई है @AtulKumarSharma09 पर, तो उनके बारे में आप ऑनलाइन जाकर पढ़ सकते हैं। वहां भी आप कंफर्म नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मार्केट में चले जाएं, मार्केट में आपको वो बुक्स भी मिल जाएगी जो मैंने बताई है, और भी बेहतर बुक्स मिल जाएंगी, क्योंकि आपने बीएड या डीएड या डीएलएड किया है तो आपसे समझदार तो कोई होगा नहीं, आप सब समझते हो। जब इतना आपने पढ़ाई की है तो आपको मालूम है कि कौन सी बुक्स किस स्तर की है ना, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि इस बुक्स में जो अतुल सर ने बताई है उसमें कुछ है भी कि नहीं है, मार्केट में आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो आप स्वयं उसे जाकर देख सकती हो। मैं आपको कभी भी कूपन कोड क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि उनसे कभी मैंने तैयारी नहीं की है, किसी भी वेबसाइट से मैंने तैयारी नहीं की है, किसी भी ऑनलाइन से मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है, यानी कि मैंने जिन चीजों से पढ़ाई कभी की नहीं है वो मैं आपको नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? मुझे पता भी नहीं है कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों? हाँ, मैंने बुक्स से पढ़ाई की है, बुक्स मुझे समझ में आती है, वही मैं आपको बता देता हूँ, और बुक्स आपके अच्छी है कि नहीं है वो आप पर छोड़ देता हूँ। आप ऑनलाइन भी जाकर उन्हें देख सकते हैं कि उनके बारे में क्या लिखा हुआ, क्या रिव्यू मिले हुए हैं, और इसके बाद आप ऑफलाइन भी जाके उन्हें परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग सिर्फ दो चीजों के लिए अभी अपने चैनल को चलाए हुए हैं, एक तो ये फर्जी न्यूज जैसे भी कोई आएगा, या फिर आपकी कैंसिल की, या फिर आपके कट ऑफ की ऐसी वीडियो डालेंगे, या फिर सेकेंड वो अपना आप में एक बिजनेस ढूंढ रहे हैं कि हम कितनी जल्दी से आपको, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे कुछ भी हो, कितनी अच्छी तरीके से आपको बेच सकते हैं, है ना? अब 1.5 लाख का कोई कोर्स है वो आपको 1.5 रुपए में मिल रहा है ना, और 1.5 रुपए वाला जो कोर्स है वो आप परचेज कर लें, नहीं तो उसके अभाव में आपकी जॉब लगनी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने एक और वर्ग दो में चिपकाया था, उनकी भी नहीं लगी है, तो आप ले लो, आपकी भी नहीं लगेगी, और जो बता रहा है वो भी किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा है। यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपके साथ वर्ग एक की तैयारी कर रहे थे, वर्ग दो की उनका नाम आ चुका है, और यदि उनकी इजाजत हुई तो मैं उनके नाम भी शेयर कर दूंगा। बहुत से चैनल वाले हैं जो आपको वर्ग एक और वर्ग दो की अच्छी न्यूज दे रहे थे, जनरल चैनल है, उनके नाम वर्ग एक या वर्ग दो में सिलेक्शन लिस्ट में आ चुके हैं दोस्तों। अब चूंकि वो कभी अपने चैनल के माध्यम से ही आपको बताएंगे तो बेस्ट रहेगा। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं दोस्तों जो आपके बीच में से ही हैं, वर्ग तीन की तैयारी कर रहे हैं,
और डेफिनेटली उनकी तैयारी अच्छी हो गई तो वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि ये बोल जेन्युइन लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि किस खबर का कितना असर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी वो झूठी न्यूज नहीं लाते, आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। अब झूठी न्यूज कौन लाएगा? जिसका परिवार ही यूट्यूब से चलेगा, है ना, जिसको कमाई यूट्यूब से करनी है, जिसको कमाई सॉफ्टवेयर बेचकर करनी है, जिसको कमाई आपके 1.5 लाख का जो कोर्स है उसे 1.5 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में बताना है, और मालूम पड़े कि वो 10 रुपए का भी कोर्स नहीं था, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। लेकिन हाँ ये है कि 1.5 लाख का कोर्स आपको 1.5 रुपए में मिल रहा है तो आप भी खुश, है ना दोस्तों। तो ये पूरी चीजें चलाई जाती हैं, तो इससे नुकसान सिर्फ आपका होता है। और आज मैं इतना क्यों इस पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यूज टू हो चुका हूँ वर्ग एक और वर्ग दो में, हर एक दिन कोई ना कोई गलत न्यूज का खंडन करते करते मैं भी इतना परेशान हो चुका था कि हर दिन आती थी एक न्यूज, आप खंडन कर सकते हो, एक नहीं यहाँ पर 10 10 15 15 न्यूजें आती थी और डेली वीडियो बनते थे। चाहे आप परीक्षा निरस्तीकरण की बात कर लें, वर्ग एक वर्ग दो आज तक तो हुई नहीं है, लेकिन ये आपकी जब नोटिफिकेशन नहीं आया था उससे पहले वीडियो बने थे। कट ऑफ के वीडियो ले लें, एक बहन ने तो गलत कदम उठा लिया, मैं बार बार इस चीज को लेता हूं, इसलिए कट ऑफ का विरोध किया था मैंने, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका परिवार चल रहा है, घर चल रहा है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी की सेहत पर नुकसान पड़े, किसी के मन पर नुकसान पड़े, वहां पर मुझे बोलना पड़ता है। और ये मेरा एक है क्योंकि वहां पर बोलना जरूरी होता है दोस्तों, और आपको भी अवेयर रहना चाहिए ऐसी चीजों से। तो ऐसी चीजें अभी वायरल होंगी और होती रहेंगी। यदि आपकी डेट्स आगे बढ़ती है तो उसका ऑफिशियली लेटर आपका पीएबी पे जारी हो जाएगा दोस्तों, और जैसे ही जारी हो जाएगा मैं आपके सामने वीडियो लाऊंगा, ही चाहे लाइव आना पड़े तब भी मैं वीडियो लाऊंगा कि भैया ये जारी हो गया है, अब आपकी जो डेट्स है वो आगे बढ़ चुकी है ना दोस्तों। तो ऐसे सावधान रहें, आपको सिलेबस का पता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स ले लें और उसकी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि वर्ग तीन आपके पास, मैं फिर कहूंगा, लास्ट मौका है। अब वर्ग तीन कब आएगी कोई पता नहीं है, अभी मौका है, अभी समय भी है, क्योंकि अप्रैल के लास्ट से यदि एग्जाम शुरू होते हैं तो अब भी समय है, और डेट आगे बढ़ती है तब भी समय है, तो इस समय का लाभ उठाएं दोस्तों। ऐसी चीजों में आप बिल्कुल भी ना फंसे, और जहां तक हमारी मेहनत है, जहां तक हम कर सकते हैं दोस्तों डेफिनेटली हम करेंगे। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत से जनरल चैनल हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं और बहुत सही न्यूज ला रहे हैं। और रही ऐसे जो लोग किसी कंपटीशन में खुद ही नहीं निकल पाए हैं, वो यदि आपको गाइड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि वो अपने बिजनेस माइंड से कर रहे हैं, क्योंकि उनका आप जॉब तो लगनी नहीं है। जिन यूट्यूबर का वर्ग एक वर्ग दो में हो गया उनकी वहां जॉब लग गई, जिनका नहीं हुआ वो वर्ग तीन की तैयारी कर रहे हैं, वो उन यूट्यूबर्स का वहां भी जॉब लग जाएगी, क्योंकि वो जेन्युइन इंसान है। अब जो इस फील्ड से ही बाहर हो चुके हैं, जो कभी गवर्नमेंट जॉब में आने ही नहीं है, ऑब्रेज हो चुके हैं, इस फील्ड से बाहर हो चुके हैं, उनके पास क्या काम रह गया? ऐसी फर्जी न्यूज फैलाना और अपने सॉफ्टवेयर, अपने जो भी चीजें हैं वो बेचना, कूपन कोड बेचना, बस ये उनका काम रह गया है। तो ये अभी नहीं, वो लाइफ टाइम यही करने वाले हैं, आपको यही मिलेंगे YouTube पे, और लाइफ टाइम वो यही करने वाले हैं, यही बताने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ों का फैलाने वाले हैं। इसके अलावा उनकी लाइफ में कोई भी ग्रोथ बची नहीं है, सिर्फ एक ही ग्रोथ बची है, वो है कि चैनल, चैनल से व्यू, और व्यू से सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबर से पैसे। ये चीजें उनके पास बची हुई है, उसमें वो लगे रहेंगे, लेकिन इससे आपको खुद का नुकसान नहीं करना है दोस्तों। पढ़ाई कैसे भी नहीं छोड़नी है वर्ग तीन की। तो एक अपील थी, यदि आप मेरे बातें के भावार्थ को समझ पाए होंगे दोस्तों, तो प्लीज ऐसे जो भी न्यूज़ें आ रही हैं, या अभी तो कैंसिल की भी आ सकती है, तो बिल्कुल सावधान है ऐसे न्यूज़ों से। चाहे वर्ग एक की बात करूं, वर्ग दो की बात करूं, वर्ग तीन की बात करूं, ऐसी न्यूज का बिल्कुल आप ध्यान रखें, और ऐसे चैनलों को हो सके तो आप समझने का प्रयास करें कि कौन सा चैनल किस स्तर का है और क्या वो करने की कोशिश कर रहा है। यदि वो बिजनेस पर्पज से ही हर चीज ला रहा है तो उससे बेहतर है कि उस चैनल से दूर हट जाओ, है ना, क्योंकि यदि बिजनेस पर्पज से ला रहा है तो वो यही कहेगा कि भैया 1.5 लाख का कोर्स है, 1.5 रुपए में आपको दे रहे हैं, और मालूम पड़े कि उसकी वैल्यू 50 पैसे की भी नहीं थी कोर्स की, है ना। तो इससे भी आपको सावधान रहना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और किस पर विश्वास करना है, ये सिर्फ आपको ही और आपको ही समझना है दोस्तों। कोई दूसरा इसको समझाने वाला आपको मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो ये वीडियो एक अपील के रूप में था, आपने इसको देखा, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।